माफी चाहूंगा प्रश्न में देर हुई, इसमें मैं पूछा तो शायद गौरव साहब बोल रहे थे तो आखिरी दौर में ही अब थे लागू नहीं पाए, इससे पहले भी किसी भी बोले छात्रों। खैर तो सबसे पहले तो आयशा और आरवाईए के साथियों को इस बात के लिए मैं अभिवादन करना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला लिया है 23 मार्च से 14 अप्रैल तक देश के पैमाने पर भगत सिंह और अम्बेडकर के संदेश को लेकर जनता के बीच में जाने का, ये समय बेहद जरूरी है और हमें तो पूरा भरोसा है, जैसे अमित बता रहे थे कि आप पूरे शालीनता के साथ और तर्क के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि आपके ऊपर हमले, क्योंकि इस दौर में हमने देखा जहाँ भी जे एन यू के समर्थन में हैदराबाद के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे हैं हमले हो रहे हैं। इलाहाबाद में सपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ शहर के किसी भी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता आम नागरिक बैठे हुए धरने पे उन पर हमला हो। मुजफ्फरपुर में लालू जी नीतीश की सरकार है बिहार में, वहाँ जे एन यू बोल रहा हूँ करके कार्यक्रम था और इन वक्त पर वहाँ विड्रॉ कर लिया गया और रक्षा समिति की शिकायत पर और वहाँ एबीपी के लोगों को गुंडों को पथराव करने के लिए प्रोफेसर विवेक कुमार जी ग्वालियर के अम्बेडकर पर बोल रहे थे उन पर हमला हुआ, चमन लाल जी भगत सिंह पर बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का हमला हुआ, इसलिए आपका ये जो अभियान है निश्चित तौर पर इन हमलों का मुकाबला करने की पूरी हिम्मत और ताकत और संकल्प के साथ ही आपको करना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप। मेरा मानना है कि अभी देश में हमले तो खूब हो रहे हैं, हादसों के दौर से हम गुजर रहे हैं, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हो रही और जो अच्छी बातें हो रही हैं उनमें से सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि देश में एक तरह से कहिए तो युवा वसंत का दौर चल रहा है। अगर जो तहरीर स्क्वायर में हुआ उसको अरब वसंत लोगों ने कहा तो हिंदुस्तान में पिछले 4 साल से तो लगातार नौजवानों में छात्रों में छात्राओं में उभार दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक प्रोट्रैक्टेड कह सकते हैं। और इसमें अच्छी बात है कि इसमें लोग समय समय पर बता देते हैं कि हाँ बस मंजिल आ गई, अब आपको आप आगे कुछ करना नहीं, अल्लाह हजारे साहब आ गए टिप्पू करतार पर बैठने के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि बस गांधी जी आ गए आज के दौर के और नौजवानों को मंजिल, लेकिन लोगों ने माना। केजरीवाल साहब आए तो कुछ लोगों ने कहा कि बस हो गया इसी पड़ाव पर खत्म कर दीजिए अपनी पूरे सफर, लोगों ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि अब तो हृदय सम्राट आ गए हैं पूरे नौजवानों के, अब आप तो मान ही लीजिए कि बस इससे आगे कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमारी मंजिल दूर है, मंजिल अलग है, लेकिन मेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ये जो पूरे आज के युवा उभार में और जो हमारे सामने चुनौती है वो तो जबरदस्त है, हैदराबाद से लेके जेएनयू तक जो हमने देखा, जेएनयू को तो खास तौर पर टारगेट किया गया था कि इनको मानना था, इनका मानना था शायद ये सॉफ्ट टारगेट जे एन यू है, एक अलग थलग दुनिया है, वहाँ लेफ्ट के लोग रहते हैं लेकिन उससे क्या फर्क, इतने सालों से अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में उस तरीके से जे एन यू की राजनीति हावी नहीं हो पाई, 40 साल से यहाँ अगर एबी वी पी और एन सी का ही चल रहा है, अभी थोड़ा ऐसा का बढ़ने लगा है और पूरे देश की राजनीति पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उस आईलैंड में लोग क्या बहस करते हैं और क्या क्या करते हैं उससे बहुत फर्क। लेकिन इन्होंने देखा कि जेएनयू भी बदल रहा है और जेएनयू के छात्र लगातार अमित चंद्रशेखर का नाम ले रहे थे, उस दौर से हमने देखा 90 के दशक से लगातार इस दौर में देश के तमाम आंदोलनों के साथ जुड़ने की कोशिश, उन आंदोलनों के आवेग को, उन आंदोलनों के सवालों को जेएनयू के अंदर लाने की कोशिश, और इस तरीके से वो जो एक थोड़ा आइलैंड नुमा एक प्रोग्रेसिव आइलैंड हम समझते थे उसको एक पूरे देश में देश के अंदर समाहित कर लेने की पूरी जो कोशिश हुई तो ये अच्छी बात थी और शायद इसीलिए इन्होंने टारगेट किया। लेकिन तो मालूम था कि जे एन यू के अंदर बहुत कुछ कर नहीं सकते, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उस दौर में 1 साल इनको एक पोजीशन मिला, अभी इस दौर में एक जॉइंट सेक्रेटरी, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते और इसीलिए वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने तो कह दिया कि शट डाउन चाहिए, बंद करना, वो
वो जो उसमें इंटरेस्टेड है कि जेएनयू के बहाने हम पूरे देश में एक उन्माद है। वो जेएनयू का इस्तेमाल जेएनयू के अंदर कितना कर पाएंगे, दिल्ली के अंदर बुद्धिजीवियों के अंदर कितना कर पाएंगे, इससे बहुत फर्क उनको नहीं पड़ता है। लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल पूरे देश में एक उन्माद पैदा करेंगे। और ये जो लगातार मुद्दे फेंकते जा रहे हैं उसमें एक बहुत गति है, गोल पोस्ट बहुत तेजी से बदल देते हैं, आज ये मुद्दा है कल वो मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दे खत्म भी नहीं हो रहे। अगर बीफ के सवाल पर इन्होंने बिहार के चुनाव लड़ा, बिहार के चुनाव में जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बीफ के सवाल पर जो उन्माद है वो खत्म हो गया। लातेहार की घटना कल की, जब हमारे दो इस देश के 12 साल के बच्चों को पेड़ पर लटका दिया गया, मशीन चोरी का आरोप लगा, सोशल मीडिया में देख रहा हूँ इंडिया का प्रोफाइल बनाया हुआ है कि इंडिया में अब एनडीए बचा है और दोनों आई वो पेड़ पे लटका दिए गए, फांसी पे चढ़ा दिए गए। वो जो दो आई है वो सिर्फ दो बच्चे नहीं, वो आई आप कह सकते हैं कि जो इंडिया के आज की मौजूदा आइडेंटिटी है, पहचान है, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में एक आई वो है, और दूसरी आई हम तो आइडिया ऑफ इंडिया से भी ज्यादा कहेंगे, इमेजिनेशन ऑफ इंडिया, एक बेहतर हिंदुस्तान की जो कल्पना एक जो अंबेडकर वो एक जो खोज है, एक तलाश है कि जहाँ समानता हो, जहाँ वाकई लोकतंत्र हो, पूरे एक संपूर्ण आजादी हो, फुलेस्ट फ्रीडम और डीपेस्ट डेमोक्रेसी जिस देश में, और पूरा कंप्लीट इक्वालिटी जहाँ हो सकता है, उस हिंदुस्तान की एक तलाश, उसके लिए संघर्ष, तो उस आय को भी वहां लटकाने की कोशिश की है। अब आप देख रहे हैं कि हाँ बात चल रही जेएनयू, जब संसद में बात पहुंची तो वहां सिर्फ क्या नारे लगे थे वो नहीं आया, वह कब महिषासुर और दुर्गा पर क्या पर्चा फाटा गया वो भी संसद में था। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि शायद कुछ ऐसा इसका उल्टा भी पड़ रहा है, शायद बहुत सारे लोग, हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे कि कहीं महिषासुर भी एक आइकॉन है देश में, तो इनको लगा था कि ये कह करके हम भड़का देंगे असम के लोगों को, बंगाल के लोगों को, वहां चुनाव है फायदा मिल जाएगा। लेकिन शायद उल्टा हुआ कि लोग दूसरी बात भी जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो इसका फायदा हम भी उठा सकते हैं, जो मुद्दे फेंक रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी हमने देखा कि पिछले दो चार दिन से भगत सिंह और अम्बेडकर को लेकर एक हड़पने की कोशिश हुई, एक भाजपा के मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भगत सिंह भारत माता की जय कहते हुए फांसी पर। अब दशकों से पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, डाउन में तीन का नारा दिया, लेकिन आप भगत सिंह के उनके मुंह पर भी नारा डाला जा रहा है कि भगत भारत माता की जय को। कल मोदी जी कह रहे थे अम्बेडकर के, और कह रहे थे अम्बेडकर को अगर मौका मिल गया होता तो आज जो काम मुझे करना पड़ रहा है आप जरा सोचिए कि खुद को अम्बेडकर के बारे में बता रहे हैं, और उससे भी ज्यादा बल्कि वो अम्बेडकर को एक तरह से मोदी का पूर्वाभास बता रहे हैं, अभी मेमोरियल बना रहे हैं उसका, हम देख रहे थे कि जो पूरा रेट लगा है उसमें बहुत छोटे अक्षर में अम्बेडकर का नाम है और बहुत बड़े हरफ में वहां नरेंद्र मोदी का नाम है। ये कोशिश है, अब कह रहे हैं कि ये पूरे लेबर लॉ, अम्बेडकर लेबर लॉ के बारे में कहते थे और हम भी लेबर रिफॉर्म जरा सोचिए। अभी हमने देखा अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था उस दौर में जब टेक्सटाइल मिलों में हड़ताल हो रही थी, और 1935 के बाद देश में कुछ उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सरकारें बनी और लेबर लॉ बनाने की कोशिश शुरू हुई, और उसमें कम्युनिस्ट और अम्बेडकर साथ साथ थे उस पूरे आंदोलन में, और वहां जो अम्बेडकर का भाषण था उन्होंने हड़ताल के पक्ष में कहा कि हड़ताल करने का जो अधिकार है ये अगर अधिकार मजदूर को नहीं मिलता है तो वो मजदूर गुलाम मजदूर है। हड़ताल का अधिकार का मतलब है मजदूर के लिए आजादी का अधिकार। बिल्कुल जो नारा जेएनयू से उठा है, जो नारा दिल्ली में निर्भया बलात्कार के उस खिलाफ आंदोलन के दौर में दिल्ली की सड़कों पर उठा था, वही नारा आजादी का नारा अम्बेडकर कह रहे हैं कि हड़ताल के अधिकार का मतलब यही फर्क है, एक गुलाम मजदूर और एक आजाद। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम 8 साल पहले अम्बेडकर को मौका मिला होता तो मेरा कुछ काम कर दिया। कह रहे हैं कि महिलाओं के पर अम्बेडकर ने हिंदू वोट बिल के दौर में भी उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा,
उसका सबसे ज्यादा विरोध तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और महिलाओं की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो मनुस्मृति उसको अम्बेडकर ने जलाया, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जगह लिखा है कि मॉडर्न मनु है, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया, संविधान बनाया, इसलिए आधुनिक मनु है। तो भगत सिंह से लेकर के अम्बेडकर तक दोनों को विकृत करने, दोनों को हड़प लेने की पुरजोर कोशिश की है, इसलिए बेहद जरूरी है इस दौर में कि हम इन बातों को लेकर के जाए। जो राष्ट्रवाद के सवाल पर बहस हुई, उसमें भी अम्बेडकर बहुत प्रासंगिक है। अम्बेडकर ने कहा कि कास्ट इज एंटी नेशन, अगर आप नेशन की बात कर रहे हो, नेशन बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले कास्ट को खत्म करो। ये कास्ट सिस्टम है, ये सिस्टम अगर रहेगा इस देश के अंदर, इसको अगर हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसका उन्मूलन नहीं होगा, तो आप जो नेशन की बात कर रहे हैं उसे बात है। तो एंटी नेशनल और नेशनल की लड़ाई भी भगत सिंह से लेकर के अम्बेडकर तक हमारे सामने एक पूरा पैमाना है कि राष्ट्र का मतलब क्या है, देशभक्ति का मतलब क्या है, उसका तकाजा क्या है, और हमें कहां पहुंचना है। लेकिन ये लोग आज समझते हैं कि शायद सत्ता जब मिल गई, सत्ता के बल पर हम अपनी बातों को थोपते, क्योंकि उस समय तो इतिहास में थे नहीं। आजादी के आंदोलन में उस दौर में मुखबिरी करने के सिवा और हिटलर और मुसोलिनी की प्रेरणा लेकर के कुछ इस देश में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने के सिवा उनके पास कुछ था नहीं। जब देश आजाद हुआ उस समय भी गांधी की हत्या करने के अलावा कोई काम इनके पास था। तो ये इनका अपना इतिहास है, और इस इतिहास में समझते हैं कि शायद अब सत्ता जब मिल गई है तो सत्ता के बल पर और उसके साथ साथ जो पूरे संत परिवार का अपना पूरा नेटवर्क है, हम उसके बल के लिए अध्यादेश ला रहे हैं। मजदूरों की मेहनत, वो भी बिना मजदूरी दिए, कम से कम मजदूरी दे करके ज्यादा से ज्यादा काम कैसे ले लिया जाए, इसकी कोशिश करेंगे, कब्जा करेंगे दिमाग पर। ये विश्वविद्यालय पर जो हमला है, ये इसलिए क्योंकि जहां दिमाग का काम है, जहां लोग सोचते हैं, जहां बहस होती है, जहां एक विचार विमर्श बहस मुबाहिसा का पूरा चलता है, वहां हमला करके वो चाहते हैं कि हम ये तय करें। वो मॉरल पुलिसिंग से लेकर के थॉट पुलिसिंग तक ये कंप्लीट कब्जा जो हमारा है, उसका ब्लूप्रिंट कंप्लीट हो जाए इस देश के तमाम संसाधनों पर, जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर भी, और वो जो ह्यूमन रिसोर्स स्मृति ईरानी जी बैठी हुई है, तो उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए विश्वविद्यालय को खास तौर पर और उसमें टारगेट किया गया। जरूरी है इस लड़ाई में हम इस पूरे बहस को, पूरी बातों को जनता के बीच में ले सकें। भगत सिंह ने भी यही कहा, उस दौर में नौजवानों के लिए ही का संदेश था। उन्होंने कहा कि 20 साल के लिए गांव चले जाओ, झुग्गी झोपड़ियों में चले जाओ, दलित बस्तियों में चले जाओ, दलित बस्तियों में चले जाओ, और इस देश में किसान मजदूर दलित उस समय भी भगत सिंह सांप्रदायिकता और अछूत समस्या पर भी कब नहीं सोचते, उस पर भी उनके लेख हैं, और पूरे एक समग्रता में पूरे देश के सवालों पर उन्होंने सोचा, और नौजवानों से अपने दोस्तों से उन्होंने अपील की आप वहां जाओ, मैदान वहां है। भगत सिंह के बाद अम्बेडकर ने भी कहा, जो संविधान बनने के बाद भी उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी बन रही है इसमें एक तरह से अंतर विरोधों की जिंदगी शुरू हो रही है हमारे देश में, जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी, सबके पास एक वोट होगा, लेकिन बस 5 साल में उस एक मिनट एक वोट डालने में लगता है, उससे भी कम समय लगता है, उस थोड़ी देर के एक वोट की बराबरी छोड़ करके बाकी जो पूरी जिंदगी है, पूरा समाज है, वो गैर बराबरी काटता है, और वहां सामाजिक से लेकर आर्थिक से लेकर राजनीतिक सांस्कृतिक पूरी विषमताएं जड़ जमा कर रही है। और इसीलिए अम्बेडकर संविधान को कोई देर निशर्क तरह नहीं देते, गीता बाइबल कुरान की नजर से नहीं देते, उसको एक संघर्ष के दौर से निकला हुआ एक दस्तावेज, एक समय के सीमा से बना हुआ एक दस्तावेज के रूप में देखते थे, और इस दस्तावेज के जरिए जहां आगे बढ़ना, उन अधिकारों को हासिल करने के, वो जो एक राजनीतिक थोड़ी सी बराबरी मिली है एक वोट की, उसका इस्तेमाल करके और जो तमाम गैर बराबरी है उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उस समानता के लिए, उस समता के लिए बढ़ने के लिए एक औजार के रूप में, ये जरूरी है कि हम भगत अम्बेडकर के उस स्पिरिट को
उस पूरे संविधान के बारे में, समाज के बारे में, लोकतंत्र के बारे में पूरी दृष्टि को हम लोगों के बीच में ले जाए। और ये लगातार हम जिस पार्टी से आते हैं, हमारी पार्टी की तो शुरुआत ही इसी से, पार्टी की शुरुआत ही इससे हुई जब चारू सरकार ने कहा कि छात्र नौजवानों से भी गाँव में जाओ और भूमिहीन गरीब के साथ एक, ये दो उभार साथ साथ थे, नक्सलवादी का किसान विद्रोह और पूरे देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय में कॉलेजेस में छात्र नौजवानों का ऐसा उभार। तो जब जब छात्र नौजवानों का उभार और देश के मजदूर किसानों का आंदोलन वो एक जगह पर आता है, देश के अंदर बुनियादी बदलाव के लिए, लोकतंत्र के लिए चल रहे सारे आंदोलन वो एक जगह पर आते हैं, तब बड़ा बदलाव आता है, वही एक इतिहास का बड़ा पड़ाव होता है। और इसलिए हम समझते हैं कि आज एक तरफ हमले हैं, हादसे हो रहे हैं, खतरा बिल्कुल सही राजा ने कहा कि जो क्लासिकल डेफिनेशन है फैसिज्म का, उस हिसाब से आप देख सकते हैं, उस हिसाब से भी देख सकते हैं। मुसोलिनी ने कहा था कि स्टेट पावर प्लस कॉर्पोरेट पावर, ये दोनों पावर मिल जाए तो फैसिज्म। हमारे देश में हम देख रहे हैं स्टेट पावर और कॉर्पोरेट पावर एक तो मिला ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनल पावर और कास्ट पावर, कास्ट पावर, ये कम्युनलिज्म और कास्टिज्म और कॉर्पोरेट और स्टेट पावर, ये मिलकर के तो बहुत जबरदस्त एक पूरे बात का माहौल बना रहा है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुशायरे पर, शायरी पर, अभी हमने देखा कि एमएचआरडी ने शायद ये जारी किया कि उर्दू लेखकों पर कि आपको अंडरटेकिंग देनी है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे और सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ एक हो गया, सरकार के खिलाफ लिखना देश के खिलाफ लिखना भी बराबर हो गया, और ये आपको पहले से लिख के देना होगा कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे। ये पूरा जो माहौल बन रहा है, तो इस दौर में फासीवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, और ये बड़ी लड़ाई सिर्फ बचाने की लड़ाई नहीं होती, सिर्फ हमको बचाना है नहीं, बचाना तो है, बनाना भी, और बनाते चलेंगे, कुछ नया निर्माण करेंगे तभी जो है उसको कुछ बचा भी पाए। और इसीलिए ये संघर्ष और निर्माण की परिभाषा में बात करें या जिस परिभाषा में बात करें, ये सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया का भी नारा है और एक न्यू इंडिया का भी, जिसके लिए अपने कार्य भगत सिंह और अम्बेडकर के रास्ते पे चल रहा है। एक अच्छी बात इस दौर में जो हो रही, हमारे देश की विडंबनाओं में, आजादी के आंदोलन के इतिहास में जो भी संकट रहा है उसमें एक बड़ी विडंबना ये रही है कि देश में वामपंथी और अम्बेडकर, अम्बेडकरवादी लोग एक नहीं हो पाए, समय समय पर एक होने की उम्मीद जगी, समय समय पर ऐसा दौर आया जैसे हमने अभी कहा 20 के दशक में पूरे मुंबई में टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल हो, मजदूरों का आंदोलन हो, जब कम्युनिस्ट और अम्बेडकर साथ साथ थे, लेकिन बहुत गलतियां हुई, कम्युनिस्टों से कम नहीं हुई, क्योंकि 1952 के चुनाव में जो अम्बेडकर लड़ रहे थे उनको अगर कम्युनिस्टों का समर्थन मिलता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन बहुत गलत फैसला हुआ और उससे जो खाई बना उसका नुकसान है। ये खाई को काटने का समय आ रहा है और ये अच्छी बात, रोहित ने एक तरह से मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में एक डायलॉग की शुरुआत की, एक संवाद की रूप में शुरुआत, और ये शुरुआत हम समझते हैं कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त संभावना है। अम्बेडकर को जो एक सिर्फ कुछ आरक्षण के प्रतीक के रूप में एक सीमित कर देने की कोशिश हो रही थी, और जब भाजपा वालों ने सोचा कि भाई हमने तो रामविलास पासवान तो हमारे जेब में है, उदित राज को भी हमने जेब में डाल लिया, अठावाले साहब भी हमारे पास है, जीतनराम मांझी भी है, तो अम्बेडकर को भी हमने अपने जेब में डाल लिया क्योंकि ये सारे जो दलित नेता आज हैं सब तो हमारे पास है। तब जब रोहित खड़ा होता है, अम्बेडकर करियर को इस तरीके से खड़ा होता है, खड़ा होता है, और वो जब कहते हैं कि नहीं अम्बेडकर को आप जेब में नहीं डाल सकते क्योंकि अम्बेडकर ने हमें वो संदेश दिया है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। हमारे कम्युनिस्टों के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है, हमारे बहुत समाजवादी मित्र कहते हैं कि आप लोग जाति को समझते हैं, जाति को समझते नहीं है और देश को जाति के हिसाब से, हम समझते हैं कि वो जब हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जाति को समझते नहीं है, क्या कहना चाहते हैं, जाति को किस लिए समझना है, जाति को क्या कोई जातीय समीकरण बनाने के लिए, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए समझना है, या अम्बेडकर के उस पर खड़े होकर के समझना है कि जाति को ध्वस्त कर देना है। अगर जाति को अम्बेडकर पर
के हमको समझना है कि जाति प्रथा वो इस पूरे राष्ट्र के सामने, वो समाज के सामने, बराबरी के सामने में, हमारे पूरे विकास के रास्ते में कितना जबरदस्त एक अवरोध है, कितनी बड़ी रुकावट है, और उसको खत्म किए बगैर, उसको ध्वस्त किए बगैर, उसका सफाया किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब उसका मतलब दूसरा होता है। इसी बात कहेंगे अपने साथियों से भी, बहुत लोग ये जो कहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट जो है वो जाति को कभी रूप नहीं समझे, तो इसमें मत जाइए। जाति को हमें अम्बेडकर की दृष्टि से समझना है, उसको खत्म करने के लिए समझना है, उसको अपनाने के लिए और उसी के अंदर फंसने के लिए और उसी की राजनीति करने के लिए नहीं समझना है, हमको इसको खत्म करना है। और अगर खत्म करना है तो खत्म करने की लड़ाई बहुआयामी लड़ाई, वो लड़ाई बहुआयामी होगी, वो लड़ाई जाति के अंदर भी लड़ी जाएगी, वो लड़ाई सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, वो आरक्षण की लड़ाई भी मैं मानता हूं कि एक हद तक उसकी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उस दायरे में नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई जेंडर के माध्यम से भी, लोग कह रहे हैं कि अंतर जातीय शादी अगर हो तो जाति की जो है तो कुछ शिथिल हो सकता है। अम्बेडकर ने भी कहा कि एक साथ बैठ करके खाना पीना वो तो थोड़ा आसान है, शादी थोड़ा ज्यादा कठिन है, लेकिन उससे भी नहीं बात करेंगे, वो एक सांस्कृतिक धरातल पर, एक धरातल पर हम एक शुरुआत करेंगे, लेकिन इस काम को भी अगर करना ये कैसे होगा, ये अंतर जातीय शादी आप बोल देने से लिख देने से होगा? ये तब होगा जब हमारे देश में महिलाओं की आजादी वो बराबरी मिलेगी, जब ये पूरे हवा किली के नाम पर जो हमले हो रहे हैं। अभी हम तमिलनाडु गए थे और 13 मार्च को नहीं थे कोई बटू, और उसी दिन खबर आई कि एक छोटे शहर में शंकर नाम का 22 साल का एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, वाकरी यार का स्टूडेंट था, उसका प्यार था उसी कॉलेज के, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, तो इस पर बोलेंगे तो और वोट बैंक दे दिया जाएगा। तो वहां ये बात उठ रही है कि इसमें अगर 2016 में हम इतना भी अगर नहीं कर सकते, ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस है उसका बचाव नहीं कर सकते, उसका डिफेंड नहीं कर सकते, इंटरकास्ट कपल्स के लिए सरकार की ओर से हम कोई संरक्षण का नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो कैसे चलेगा? तो ये पूरे जाति को तोड़ने के लिए वो सवाल आएगा ही जेंडर का, और जाति को तोड़ने के लिए सवाल आएगा ही क्लास का, क्योंकि सब जाति के अंदर जो क्लास का धीरे धीरे आप देख रहे हैं वही शायद ही कोई जाति बची होगी, जिस जाति के अंदर ठीक है दलित जातियों से अभी बहुत कोई ऐसे कोई अदानी अंबानी नहीं पैदा हुए। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि जब उसमें भी अदानी अंबानी पैदा होंगे तभी जागरूकता बराबर है, ये कुछ लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन से दलितों को फायदा है, उदारीकरण से फायदा है, जिसकी पूंजी आ जाए और उसमें मौका मिल जाए तो शायद उसी से फायदा है, वो तो एक विचार है लेकिन इतिहास बताता है कि वो नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि सत्ता पूंजी और सत्ता ने अपना नेटवर्क तमाम जातियों के अंदर, इसलिए तमाम जाति के अंदर वर्ग विभाजन बन रहा है, बहुत तीखा है, कहीं बहुत स्पष्ट है, कहीं उतना तीखा नहीं है, कहीं उतना साफ नहीं है, लेकिन ये विभाजन जब तीखा होगा, स्पष्ट होगा, साफ साफ दिखेगा, मैं समझता हूं कि तभी ये जाति की सीमा भी टूटेगी और एक नए आधार पर, एक नए धरातल पर, एक नए किस्म की बराबरी, एक नए किस्म की सॉलिडारिटी, एक नए किस्म की सामूहिकता का निर्माण इस देश में होगा। और इसीलिए आप तो समझते हैं कि भगत सिंह और अम्बेडकर ये दोनों, ये इत्तेफाक तो है हैदराबाद के बाद JNU और रोहित के बाद पूरे JNU के अंदर एंटी नेशनल कह करके और सेडिशन का आरोप लगा करके छात्रों पर हमला किया गया, ये दोनों एक तरह से सरकमस्टेंसेस में हमें साथ करीब ला दिया है, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक की बात नहीं, ये हमारी कोशिश भी रही है लंबे समय से कि ये ऐसा हो। और वो जो आजादी के आंदोलन के दौर में जो चीज नहीं हो पाई, कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती दौर में जो चीज नहीं हो पाई, तो नहीं हो पाई इसका मतलब वो कभी नहीं हो पाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए जो तय कर दिया गया कम्युनिस्टों के बारे में कहा गया कि क्लास स्ट्रगल सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रगल है, ये तो सिर्फ मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई है, इसमें तो कोई सामाजिक पहलू नहीं है, हम समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में अगर आप क्लास स्ट्रगल करेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, वो गरीबों की लड़ाई सम्मान के लिए भी है, अपने अधिकार के लिए है, वोट डालने का अधिकार जो अम्बेडकर ने संविधान में शुरू में ही दिया, और वो हमने देखा कि 90 के दशक में 80 के दशक में बिहार में जब वो अधिकार दलित गरीब इस्तेमाल करना चाहते थे तो उसके लिए भारी की बात चुनानी पड़ी, जनसंघार झेलते हुए लड़ते हुए जाकर के
लोग अपना वोट डाल पाए, तो वो सारे राजनीतिक आजादी का अधिकार, वो सामाजिक सम्मान, पहचान और आर्थिक एक तरह से करियर को बेहतरी की लड़ाई, ये सब कुछ स्ट्रगल के एजेंडे में है। और इसलिए जो पूरी कोशिश है देश में ये एक नया संवाद स्थापित हो, एक नए दौर में हम बढ़े, और मैं समझता हूँ कि ये कोशिश अम्बेडकरवादियों के अंदर भी बढ़ी। अभी रोहित पर क्या आरोप लगाया है, क्या इल्जाम लगाया है, राकेश सिन्हा जो हमारे आरएसएस का आइडियोलॉग है, इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ये रोहित कैसे अम्बेडकरवादी, ये तो दलित की बात छोड़ करके दुनिया के दूसरे तमाम विषयों पर बोलते थे, इनको क्या पढ़ा था मुजफ्फरनगर, बाकी दिखाना था वहां, ये याकूब मेमन की फांसी पर इनको क्यों बोलना था, इनको तो सिर्फ बस अपना आरक्षण के बारे में सोचते हैं, कुछ करते हैं, नहीं सोचते। इसका मतलब पूरे दलित राजनीति, दलित क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, इसके लिए इन्होंने खाका तैयार कर दिया। आपको उसी में फिट रहना, उसी खाने के अंदर आपको काम करना। तो इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे, जैसे ही आप सवाल उठाएंगे कि भाई याकूब मेमन की फांसी हो, अफजल गुरु की फांसी हो, या पूरे देश में, तो बस कुछ हो जाए इसी में खत्म कर दो। लेकिन ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है, उसके अंदर बड़ी बात है, उसके अंदर बड़ा सपना है, बड़ी सोच है। और इसीलिए जो नारे उड़ रहे हैं एक के बाद एक, अगर वो लोग भी फेंकते जा रहे हैं तो हम लोग भी इस लड़ाई के क्रम में एक के बाद एक नारा उभरता हुआ चला जाएगा, और वही नारा बनेगा कि इसका एक जवाब इंकलाब, वो नारा इसी तरह से इंकलाब का नारा सामने आएगा। आज जो नारा उठा ये सिडिशन को खत्म करो, ये सिडिशन कानून क्या कर रहा है इस देश के अंदर, अंग्रेजों ने बनाया था अपने राज को थोपने के लिए, चलाने के लिए, हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए। इसी सिडिशन के तहत वो तिलक गांधी से लेकर के भगत सिंह से लेकर के हमारे तमाम आजादी की लड़ाई के जो सिपाहियों को परेशान किया गया, फांसी दे दी गई, उनको काला पानी अंडमान भेज दिया गया, सब कुछ किया गया। और आज अगर उसी लॉ के तहत विनायक सिंह को जेल में डाला जाए, उसी लॉ के तहत कुड़ाकुलम में उदय कुमार को और उनके साथियों पर अगर मामला, उसी लॉ के तहत जेएनयू में कन्हैया से लेकर उमर अनिबान सबके ऊपर अगर इस तरीके से फर्जी केस हो, ये तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है। और इसीलिए आज जो मांग उठी है कि भाई जैसे 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून खत्म हुआ, वैसे ही इस सिडिशन कानून को भी जाना होगा, जैसे काटा पोटा खत्म हुआ वैसे ही यूएपीए और एफपा को भी जाना होगा, इन काले कानूनों की कोई इस लोकतंत्र में कोई जगह नहीं हो सकती। हम समझते कि नारे उठेंगे हमारे पास सिर्फ जो जेएनयू से बात जहां तक शुरू हुई, जहां से शुरू हुई बात वहीं तक नहीं रहे, बात उठ कर जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो नारे जेएनयू में लगे नहीं लगे उस पर बहस हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो जेएनयू में नहीं लगा था, लेकिन वही नारा रविशंकर की है लगा, अब वहां कोई बात नहीं। अब हमें इस सोच पर भी बात करनी होगी, नारा नहीं लगा था हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपके कान में हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों सुनाई देता है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है। कोई कहेगा बांग्लादेश जिंदाबाद, साउथ एशिया जिंदाबाद, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की मैत्री, उनकी एकता, उनके भाईचारा जिंदाबाद, तो इसका मतलब है कि आपने हिंदुस्तान की जो कल्पना कर रखी है, आपका जो राष्ट्रवाद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान विरोध के उसको बनता है, पूरा स्ट्रक्चर उसी पर है। आप पाकिस्तान से मैच जीत जाइए तो बहुत, न्यूजीलैंड से हार जाइए पूरी तरह, लेकिन ठीक है आपने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान से। ये जो पूरे टोटल देश में पाकिस्तान को लेकर के ऑब्सेशन और पूरे राष्ट्रवाद को पाकिस्तान विरोध के आधार पर जो परिभाषित किया गया, इसको चैलेंज करना होगा, इसको बदल देना होगा। और इसीलिए अगर वो नारा लगा भी होता, मैं तो कहता हूँ नारा अगर लगा भी होता कोई गलत नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद नेपाल जिंदाबाद एक साथ हो सकता है, चल सकता है, ये वैसे होंगे। अभी भारत माता की जय को थोपा गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी बड़ी एकता बन रही है, कांग्रेस के लोग भी खड़े हो रहे हैं आपातकाल को बुला करके लोकतंत्र के पक्ष में, लेकिन अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एक विधायक को एमआईएम के विधायक, हमें एमआईएम से, एमआईएम के पॉलिटिक्स से, उनके सोच से कोई सहमति नहीं है, लेकिन एक विधायक को भारत माता की जय नारा नहीं दिया विधानसभा के अंदर, उसे कहा गया भारत माता की जय बोलो, कह रहे कि नहीं बोलेंगे तो सस्पेंड कर दिया। तो यहां जो नारा नहीं लगा, जो नारा नहीं लगा वो कहकर के लोगों पर आरोप
बहुत बजाया गया लोगों पर हमले किए और वहां कहा गया कि नारा लगाओ। अब टीवी चैनल में बैठकर हम देख रहे हैं कोई कहता है कि नारा लगाइए टीवी चैनल पर बैठकर, तो भारत माता की जय नहीं कहने के आरोप में एक एमएलए को सस्पेंड किया गया और वहां बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी सारे लोग मिल गए। इसको भी सोचना होगा समझना होगा, ऐसे जब लोग मिल जाते हैं तब फासिस्टों की ताकत बढ़ जाती है, ऐसे ही जब लोग झुक जाते हैं सरेंडर करते हैं और उसी में होड़ लगाते हैं कि कौन कितने देशभक्त है उनके वहां मैदान में जाकर के खेलो और वो जैसे बोलेंगे और ज्यादा चीख चीख करके बोल करके देशभक्त को साबित करेंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी। और इसीलिए हम नौजवानों को सलाम करते हैं कि आपने बताया कि भाई नहीं हम उनके शर्तों पर नहीं चलेंगे, हम अपनी शर्तों पर हम भगत सिंह के और अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और पूरी आजादी और पूरा लोकतंत्र पूरा अधिकार लेकर रहेंगे इस देश में, एक नया हिंदुस्तान बना कर रहेंगे। आपके इस पूरे क्रांतिकारी जज्बा को आपके इस पूरे हिम्मत को आपके संकल्प को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा क्वेश्चन भी अभी उसके बाद शुक्रिया दीपंकर जी। अगले वक्ता के बतौर में साथी रामकरण को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक एक दो बात उनके बारे में। आप लोगों को याद होगा कि